हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी व्याख्या के बारे में, यानी कि व्याख्या किसे कहते हैं। किसी भी गद्य, पद्य या उक्ति या सुक्ति का स्पष्टीकरण करना ही व्याख्या कहलाता है, यानी कि इन सब किसी भी बात को स्पष्ट करके समझाना ही व्याख्या कहलाता है, विस्तार पूर्वक विवेचन करना। इसी तरह से हमने जाना था कि व्याख्या किस प्रकार लिखी जाएगी और व्याख्या लिखने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इन सब बातों पर हमने अपने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि हम व्याख्या कैसे लिखते हैं, यानी कि व्याख्या के उदाहरण देखेंगे कुछ। तो शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय व्याख्या के उदाहरण। पहला उदाहरण है मेरा, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी कहे यही बड़ा व्याघात। दोस्तों, हमें इसमें प्रसंग लिखना होता है, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो यहाँ मैंने लिखा है, ये पंक्तियाँ डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा काव्य से ली गई हैं। कुछ वर्षों तक दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद यशोधरा, यानी कि जो सिद्धार्थ की पत्नी है, ने यह सहज ही जान लिया था कि उसका पति सांसारिक सुखों की सीमाओं में बंधने वाला साधारण मनुष्य नहीं है। इसका आभास उसे पहले ही मिल चुका था, अतः वह जानती थी कि सिद्धार्थ का वनगमन स्वाभाविक था। लेकिन गौतम एक रात चुपके से घर छोड़ के चले गए। यशोधरा को इस बात का बड़ा दुख हुआ था कि उसके स्वामी उससे बिना कुछ कहे इस तरह चुपके से क्यों चले गए। यह बात उसे कांटे की तरह चुभने लगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसमें मैंने उक्ति के सभी शब्दों के अर्थ भी लिए हैं, साथ ही उनको स्पष्ट करके उनकी व्याख्या करके लिखा है। इसी प्रकार आपको भी इसी तरह से व्याख्या लिखनी है। चलिए अगला उदाहरण और देखते हैं। तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम्हारी आंखों पर चर्बी छाई हुई है, कंगाल ही कलयुग का कल्कि अवतार है। दोस्तों, ये पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानी लेखक राजा राधा रमन प्रसाद सिंह की कहानी दरिद्र नारायण से ली गई हैं। ये तो हो गया इसका प्रसंग, अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में लेखक धनवानों को यह बताना चाहता है कि इस युग में कंगाल ही भगवान है, यानी कि गरीब ही भगवान है। भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए तीर्थों में जाकर पंडों को धन का दान करते हैं, जो भी अमीर लोग होते हैं, जो भी करते हैं, पर वह धन कंगालों या गरीबों को मिलना चाहिए, क्योंकि कंगाल ही धन के सही अधिकारी हैं। धनी लोग धन के घमंड में चूर हैं, वे गरीबों की दर्द भरी कहानी नहीं सुनते। उनकी आंखों पर घमंड का चश्मा चढ़ा है या उन पर चर्बी छाई है। जब तक वे इस चश्मे को उतार नहीं फेंकते, तब तक कलयुग के कल्कि अवतार के दर्शन नहीं कर सकते। इस युग का भगवान कौन है? गरीब है, यानी कि जो कंगाल है वो है। उनकी सेवा ही आज भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, इस प्रकार हमने ये दो उदाहरण देखे। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। माला फेरत युग गया, गया मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। इसमें, इस दोहे में कबीर ने गहरा अनुभव व्यक्त किया है। उनका कहना है कि माला फेरते फेरते तो अनगिनत वर्ष बीते, किंतु मन का फेर ना गया। अर्थात हमारे जो मन की मैल थी वो धुली नहीं, जो हमारे मन में कपट है वो मिटा नहीं। अतः आवश्यक है कि हाथ की सुमिरनी छोड़कर, यानी कि माला जो हम फेरते रहते हैं उसको छोड़कर, हमें मन की सुमिरनी, मन को शांत करना आरंभ कर देना चाहिए। दोहे में कबीर ऐसे ढोंगियों को फटकारते हैं जो दुनिया को ठगने के लिए एक और माला जपते हैं और दूसरी ओर फरेब का जाल बुनते हैं। उनके लिए माला मानो धोखे की पट्टी है, उस जिसकी आड़ में वे मनमाना शिकार खेलते हैं। किंतु सच्चे भक्त जानते हैं कि प्रभु उसी पर प्रसन्न होता है जिसका हृदय निर्मल हो, निष्कपट हो, छल विहीन हो। दोस्तों, अगली व्याख्या देखते हैं। अपन पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनता। इन पंक्तियों में कवि ने माना है, ये संदर्भ है, कि प्रेम भाव में रहने वालों का महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं है। व्याख्या है, देखते हैं। नदी किनारे पर उगा हुआ एक गुलाब मन ही मन सोचता है कि भगवान यदि उस पर भी स्वर प्रदान करता तो वह भी पतझड़ में मिलने वाली हताशा और दुख को प्रकट कर पाता। वे भी संसार को बताता कि विरह की पीड़ा
कितनी दुखमय है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। दोस्तों अगला देखते हैं कैसे करनी है अगली व्याख्या। गाता जब शुक जब किरण बसंत, छूती अंगपन से छनकर। अब हमें इसकी व्याख्या करनी है। पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि प्रेम के मौन और मुखर रूप में से किसी एक को श्रेष्ठ घोषित करना चाहता है। सूर्य के निकलने के बाद सुनहरी बसंती किरणें जब पत्तों से छन छन कर नीचे आती हैं तो तोता खुशी से भर के मधुर गीत गाता है, किंतु तोती मौन है, उसके गीत मन में उमड़ कर भी बाहर नहीं आते। दोस्तों यहाँ हमने जाने व्याख्या के कुछ उदाहरण, यानी कि हम व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब हमें जो उक्ति दी है या सुक्ति दी है वह हमें समझ नहीं आती कि वह कौन सी किस लेखक की लिखी हुई है या कौन सी किताब में से ली गई है, तो वहाँ हम उसका जो भाव है उसी को संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।